हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू एंड दिस इज़ योर इंग्लिश राइटिंग सेशन। प्रीवियस इंग्लिश राइटिंग सेशन में हमने किया था लेटर एफ बोथ मैनर में, कैपिटल एंड स्मॉल। आज हम सीखे हैं हमारा लेटर जी कर्सिव राइटिंग में, कि हाउ टू मेक लेटर जी इन कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल। देखते हैं कैपिटल और स्मॉल जी कर्सिव में हम किस तरीके से बनाते हैं। पहले आप ट्रेस करिए डाउन टू अप कर्व, अप टू डाउन कर्व, देन अप अगेन, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, लाइक दिस। ध्यान से देखिए बच्चों, आपकी बुक में ट्रेस करने के लिए दिया है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए इस तरीके से कर्व लीजिए, फिर वापस एक बार ऊपर से नीचे की ओर आते हुए इस तरीके से, यानी कि अप टू डाउन, देन अगेन अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, लाइक दिस। ये है हमारा कर्सिव जी। पहले आप इस तरीके से इसे ट्रेस करिए। ट्रेस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से करनी है, और उसके बाद आप विदाउट एनी हेल्प इसे इजीली कर पाएंगे। जी ग गॉट, जी ग गिटार, जी ग गर्ल। पहले आप ट्रेस कीजिए, उसके बाद विदाउट एनी हेल्प, जैसे कि डाउन टू अप लाइक दिस, अगेन अप टू डाउन कर्व, देन अगेन अप टू डाउन, देन। ये है हमारा कैपिटल जी इन कर्सिव वे। पहले डाउन टू अप, देन अप टू डाउन, अगेन डाउन, देन अप टू डाउन। एक बार फिर से डाउन टू अप, अप टू डाउन, अगेन डाउन, देन डाउन टू अप, लाइक दिस। ये है हमारा कर्सिव जी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस तरीके से, बहुत ही इजी है। एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आप इस तरीके से कर्व लीजिए, स्लांटिंग लाइन भी कह सकते हैं, स्लांटिंग लाइन, देन कर्व लाइक दिस, सी की तरह, देन नीचे आते हुए स्लांटिंग लाइन, देन कर्व, स्लांटिंग लाइन, देन कर्व, स्लांटिंग लाइन एंड वन अनदर कर्व। ये है कैपिटल जी इन कर्सिव वे। अब हम देखते हैं हमारा स्मॉल जी। पहले ट्रेस करेंगे डाउन टू अप, अप टू डाउन अगेन, then slanting line, then down to up, up down to up, up to down, slanting line, then down to up, like this, down to up, up to down, slanting line, then लेटर जी। अब देखते हैं विदाउट एनी हेल्प। पहले एक बार डाउन से अप की तरफ इस तरीके से स्लांटिंग लाइन, फिर एक बार अप से डाउन नीचे की तरफ, जैसे आपने स्मॉल सी बनाया था इस तरीके से। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लाते हुए
like this. Again, we have letter G की formation. तो जो आपका homework है पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 23 आपको इंग्लिश राइटिंग बुक में कंप्लीट करना है कर्सिव में. और ध्यान रखिएगा जब भी आप होमवर्क करें उससे पहले डेट मेंशन करना ना भूलें. ये था आपका होमवर्क. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. विल मीट अगेन. बाय बाय.